दोस्तों अभी रोहित क्या बता रहा है कि इसका फ़ोन नहीं मिल रहा है और हम ही लोग सब लोग बाहर थे, पापा भी बाहर चले गए थे ट्रांसपोर्टिंग का काम के लिए, हम भी बाहर ही थे, तो उसी बीच में पता नहीं फ़ोन अपना कहाँ रखा था और फ़ोन इसका मिल नहीं रहा है, गायब हो गया गाड़ी से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपसे फिर स्वागत है। दोस्तों पिछला ब्लॉग में देखे थे कि हम बिलासपुर पार कर सो गए थे टोल टैक्स में, और आज हमारा गाड़ी काम का ही बात हुआ है, मिस्त्री बोला है ठीक है संडे वॉक कर देंगे, तो हम लोग अभी रायपुर यहाँ से बचा हुआ 20 किलोमीटर हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, थोड़ा बरस वरस कर रहे हैं। सामने देखते हैं बहुत अच्छा नाश्ता दुकान है, माँ लक्ष्मी करके है, माँ लक्ष्मी स्वीट करके, पहले भी नाश्ता किया है यहाँ पर तो बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग यहाँ से नाश्ता वास्ता करके फ्रेश व्रेश हो करके जाएंगे तो फिर अपना काम में लग जाएंगे। फिर काम में लगने के बाद आदमी को मौका नहीं मिलता है ना कि नाश्ता करने का ये करने का, तो ठीक है दोस्तों हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर और अभी नाश्ता करके यहाँ से निकलते हैं, यहाँ जाते गैरेज पर लगाते हैं गाड़ी। दोस्तों अभी अपना नाश्ता आ गया है, ये देखिए अभी हम लोग इडली ऑर्डर किए हैं तो ये अभी खा लेंगे, उसके बाद रोहित तो अभी नहीं आया तो उसके लिए पार्सल ले जाएंगे, और साथ में देख सकते हैं जलेबी भी आ गया, तो ये अभी आज का हमारा नाश्ता हो रहा है, तो नाश्ता करके अभी हम लोग निकलेंगे और रोहित के लिए पार्सल ले जाते हैं। दोस्तों अभी अपना नाश्ता तो हो गया, रोहित के लिए पार्सल भी ले लिए है, हेरा गाड़ी के पास आ गए, पापा भी अभी आ रहे हैं, लो कर लो नाश्ता। दोस्तों अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और हम लोग रायपुर आ गए, तो अभी क्या गाड़ी का काम करवाना था तो पूरा टायर वगैरह सब कुछ खोल लिए हैं, ये देखिए टायर खुल गया, ग्रेस मोबिल सब कुछ हो रहा है, बताइए क्या क्या हो रहा है। अभी एक चक्का खुला है, अभी एक चक्का खुला तो वो ग्रीस आया हुआ, नया ग्रीस है, एलसील है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं मिला है बीमारी, जैसे ब्रेक शू भी लगता है बैरिंग भी खराब होने से, तो वो सब सही है अभी, तो देखते हैं अभी एक चक्का खुला, अभी और चक्का खुलेगा तो और क्या निकलता है बाद में मालूम चलेगा, करवाते हैं मिस्त्री से अभी। देखिए दोस्तों अभी तो काम हो रहा है, चक्का ग्रीस हो रहा है, सब टायर का हुआ चल रही है, कि जब से मतलब गाड़ी निकला है तब से लग रहा है चक्का ग्रीस होबे नहीं किया है। देखिए दोस्तों अभी ग्रीस व्रीस तो पूरा जल गया था, एकदम काला हो गया था, देख सकते हैं अभी नया ग्रीस मंगाया गया है, कुछ सामान भी खराब है, कोई बैरिंग वरिंग हो रहा है अभी डीजल से। दोस्तों ग्रीस वगैरह इसलिए करते हैं कि उसका बैरिंग जो है वो सही रहेगा, वो बैरिंग वगैरह सब सही रहेगा, इसके चलते ग्रीस व्रीस होता है। और एक हमारे गाड़ी चला रहे थे एक धनबाद के गाड़ी, हम उसका मुंशी था उसको, तो ऐसे ही हम बोले गए कि चक्का ग्रीस व्रीस कराना है, चक्का ग्रीस वगैरह हो गया तो ऐसा मुंशी था वो क्या बोलता, अब तो गाड़ी स्पीड भागेगा, उसके दिमाग में ये घुस रहा था ग्रीस लगने से गाड़ी स्पीड भागता है, ग्रीस लगाने से चक्का क्या गाड़ी स्पीड भागता है, वो बैरिंग के लिए है, बैरिंग में सुरक्षित जैसे लोग शरीर में खून होता है, हड्डी वगैरह में खून होता है, ये सब चलने के लिए उसके लिए बैरिंग के लिए ग्रीस होता है, अगर बैरिंग सूख जाए ज़्यादा पतला हो जाए तो बैरिंग को मार देता है, एक बैरिंग का दाम कम से कम 2000-3000 पड़ता है, इसलिए समय इसका होता है, वो ग्रीस उतना दिन ही चलता है, उतना दिन के बाद आपको चेंज करना है, कंपनी एजेंसी में जाइएगा तो वो लोग बताता है कि इतना किलोमीटर हो गया अब आपको ग्रीस चेंज करना है, मोबिल का भी दिया है ग्रीस का, सबका समय होता है, तो हम तो जब से गाड़ी में पकड़े तब से तो हुआ ही नहीं था, और सेठ जी को भी नहीं आइडिया था कब हुआ कब नहीं, तो हम कह चलो अपने मन से हम करवा ले रहे, अच्छा वो खुलवा दिए, ग्रीस बहुत ही खराब निकला, तो मिस्त्री जी बताएंगे कैसा ग्रीस निकला है, बताओ कैसा ग्रीस निकला। इसमें ग्रीस बहुत खराब निकला है, काला है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख लीजिए, अब इसका अभी धोल धार के देखते हैं इसका क्या खराब है, टायर और दबा रही है, अगर अभी नहीं खुलता तो दिक्कत हो जाता आगे, हाँ कहीं रास्ते में धोखा हो सकता था, धोखा हो सकता था, तो ये सब टाइम पर कराना जरूरी है, जिसको टाइम नहीं मालूम अगर आइडिया हो गया कि हम इसको कर ले रहा है 5-6 महीना चला चुके हैं तो आइडिया हो गया अब करा ही लेना है, तो चलो करा ही लेते हैं। दोस्तों अभी एक चक्का हुआ उधर का पीछे का, अभी दूसरा साइड का खोलेगा पीछे वाला, और ये आगे वाला भी हो रहा है, अभी इसको भी कम्प्लीट कर रहे हैं, देख सकते जो अब काला ग्रीस निकला था तो लाल ग्रीस रहता है और वो मतलब घिस के काला हो जाता है, ये लाल ग्रीस लगा रहे हैं बढ़िया कंपनी का, अच्छा हुआ मिस्त्री भी बोल रहा था कि अच्छा हुआ टाइम से खुल गया, नहीं तो और भी फिर बैरिंग को मार देता, वो सूख भी गया था और काला भी हो गया था, उसका लस ख़त्म हो जाता है उसका, ठीक है अभी खुलवा रहे हैं इसको, 12 तो बज गया इतना ही करने में अभी तक, अभी दो चक्का और बचा हुआ है, थोड़ा टायलेट का भी काम वो भी कराएंगे, रात आज संडे भी है, कितना में छुट्टी होता है, 2 बजे मतलब लंच का कि 2 बजे तो आज काम करके जाना है ना, हाँ तो चलो ठीक है काम करके जाएगा ये लोग, स्पेशल काम हो हमको तो लगता है कि शाम हो जाएगा क्योंकि और भी मिस्त्री इधर उधर काम में लगा हुआ है, सब कोई गियर वगैरह खुलवाया क्या क्या सब मिस्त्री इधर उधर गया हुआ है, तो देखते हैं शाम तो हो ही जाना है काम कराने में। दोस्तों अभी काम तो हो ही रहा है और क्या हो गया कि अपना एक प्रॉब्लम आ गया है, माइक सही से काम नहीं कर रहा है, ये हॉलीलैंड का जो माइक लिए थे अब ये भी खराब हो रहा है, सब कुछ तो चार्जिंग वगैरह सब सही हो रहा है, ये देखिए कनेक्ट भी आसानी से हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम
इसको लगा के जब फ़ोन में लगा के रिकॉर्ड करते हैं साउंड, तो कभी कभी आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा है। पता नहीं क्या हो गया, तीन चार बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, तीन चार बार हम रिकॉर्ड करते हैं फिर जाके देखते हैं तो आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड होता रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। और इसको अभी पीना है जूस, इसीलिए बार बार हमको बोल रहा है जूस लेके आओ, कभी ला दे रहे हैं। तो अभी देखते हैं दोस्तों, तो ये अब काम नहीं कर रहा, अब दूसरा लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको अभी देखते थोड़ा ट्राई करके शायद हो जाए। और इसमें एक और प्रॉब्लम है, अभी हम कैमरा से रिकॉर्ड नहीं कर रहे, इससे कैमरा से भी रिकॉर्ड करते तो सिर्फ लेफ्ट चैनल वाला रिकॉर्ड करता है, राइट साइड में मतलब आप हेडफोन लगा के रहिएगा तो राइट साइड का साउंड ही नहीं आता, लेफ्ट साइड में बस आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो देखते हैं अब इसको भी बनवाना पड़ेगा, इतना जल्दी ख़राब हो गया, ये एक साल भी अभी तक नहीं हुआ और ख़राब हो गया। तो जाते हैं रोहित के लिए जूस ले आते हैं। तो अभी बनवा रहे दोस्तों तीन ग्लास, तो ये देखिए बन रहा है। एक गिलास का 40 रुपया। दोस्तों अभी गर्मी में काम करवा रहे हैं तो थोड़ा सा ठंडा ही पिया जा रहा है। कैसा लग रहा है? क्या बनवाए, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। धूप में बैठे हुए हैं, देख सकते काम करवा रहे हैं, हम तो आँख के सामने ही सब काम कराते हैं। मेरा आदत वो नहीं है कि काम में लगा के आदमी मोबाइल देख रहा है कुछ कर रहा है, हम वो नहीं, हम काम के जहाँ काम होता है वहाँ बैठ के काम करवाते हैं। हमको भी आइडिया रहता है कि अब आइसर कंपनी का ही है, इसका क्या सामान कैसा है, लीलन से मिलता जुलता है कि टाटा से, सब जानकारी हम रखते हैं। इसलिए देखिए हम कहाँ गर्मी कारण में कहाँ बैठ के घुसे हुए हैं, काम करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों काम करवाते हैं। इसमें हम देख रहे हैं, इसमें सामान कुछ जो है लीलन का भी लग रहा है, टाटा का भी लग रहा है, ये सब चीज़ हम जरा मैचिंग कर रहे हैं, ये सब देखना जरूरी है। दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं और पूरा काम वाम कंप्लीट हो गया, अभी बस ब्रेक चेकिंग हो रहा है, ब्रेक ये लोग मिला रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। और लोडिंग का भी बात हो रहा है, तो एक ट्रांसपोर्टर वाले बोले कि शायद तमिलनाडु का माल मिल जाएगा, तो पापा भी गए हैं पता करने के लिए, तो सेठ जी के साथ हमने। और एक और सोच रहे कि रोहित का फ़ोन है, आईफोन हमेशा मतलब कहीं भी रख के भूल के चला जाता है, छोड़ के कहीं भी गेट अगर खुला है फिर भी सामने पड़ा था, अभी हम आए देखे गेट खुला हुआ और ये फ़ोन यहीं सामने पड़ा हुआ था, तो अब क्या करेंगे उसके साथ प्रैंक। तो अभी क्या करते हैं, फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं और कहीं छिपा देते हैं, तब देखते हैं अगर उसको फ़ोन नहीं मिलेगा तब कैसा करता है वो। तो दोस्तों थोड़ा वो लापरवाही वाला काम करता है, तो इसको छिपा देते हैं और फिर देखते हैं। अरे ये रहे भैया, ये भी काम में मदद किया हमारे, हाई कर दीजिए हाय, चलिए बहुत मेहनत किए। ये फ़ोन को दोस्तों अभी पावर ऑफ कर दिया है, अब इसको छिपा देते हैं इसके अंदर, यहाँ पे अंदर छिपा देते हैं। तो शाम के 4 बजे मेरा गाड़ी काम हो गया, चका ग्रीस कराना था वो काम हो गया, छोटा मोटा रह गया काम, तो मिस्त्री बोला कि वो आयसर कंपनी में ही मिलेगा, मेरे पास नहीं मिलेगा, मतलब आज के दिन ऐसे भी संडे पार्ट्स दुकान सब बंद था, बोला मेरे पास जो था ग्रीस वगैरह तो मिल जाता नॉर्मली है, तो वो सब तो काम हो, मेन काम तो चका ग्रीस का वो हो गया, छोटा मोटा आइटम रह गया है तो वो एजेंसी में मिलेगा या तो कहीं पार्ट्स में मिलेगा, तो संडे लेकर बंद था, तो चलते हैं अपना वहाँ पार्किंग में जहाँ लगाते हैं गोडाउन में। खाइए आप लोग, अभी हम नहीं खाएंगे। परम वीर को फोन लगाइए ना, परम वीर लगाइए मजाक मत, परम वीर को ये छोटा सा काम के लिए, परम वीर नहीं मजाक नहीं है। अरे एक बार पहले ढूंढ लो पूरा सीट वा के नीचे देख लो, उसके बाद फिर करना, नहीं तो फोन कर देगा वहाँ, बोलेगा चोरी का इल्जाम लगा रहा है ऐसा करके। कामों कराने का है तो कहेगा कि चला गया, गाड़ी का अंदर है नहीं सागर, क्या कर रहा, खाना नहीं खाएगा अभी, खाइए आप तो खाइए ना सागर, खाएंगे, गाड़ी का अंदर है नहीं, लगा फोन लगाइए ना उसको, फोन लगाइए ना, फोन लगा तो कैसे पता चलेगा, हम चल जाएंगे।
लास्ट टाइम कहाँ रखा था बाबू, एक बार देख लो उसके बाद ही बोलना। यहाँ रखे थे, यहाँ तेरा पापा जोर जोर से जब चिल्लाया ना तो वहाँ रखे थे। कहाँ? यहाँ पे रखे थे। जोर से चिल्लाने से काम रोक पड़ गया तुमको? मिलेगा ना तो फोन तो करवे करेंगे। छोड़ पहले खाना खा लो उसके बाद वीडियो बना लेंगे पहले तब ना। हाँ बैठ बैठ, कहाँ जा रहा है? हाँ, मैं और खाने नहीं। तो जा कहाँ रहा है? देख रहा है। आप बोली दोस्तों, अभी खाने का मौका मिला है तो हम लोग खाना मंगा लिए थे ऑर्डर करके, तभी शाम के 5 बज रहा है तो काम में व्यस्त रहने के बाद पता नहीं चलता ना कितना समय हो रहा है क्या हो रहा है। तो ये देखिए अभी खाने का ऑर्डर हुआ है तो ये सब मंगाया। जोमेटो से ही ऑर्डर कर लिए थे दोस्तों, खाना तो बना नहीं यार, दिन भर वहीं पर फंसे हुए थे तो इसीलिए अभी ऑर्डर कर लिए। पनीर, वही पनीर चिल्ली ऑर्डर किए थे, पनीर मसाला और ये रोटी है सारा। तो अभी रोहित, पता नहीं रोहित का फ़ोन हम छुपा दिए छुपा के प्रैंक कर रहे, पापा को बता दिए हैं। अरे रोहित, अच्छा दोस्तों अभी वो बाहर में है, अभी आके खाना खा लेगा तो तब तक अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। आवाज़ सुन लेगा उसका, लापरवाही के चलते हम लोग फोन को छिपा दिए हैं उसको। हाँ, परेशान कर रहे तो पानी निकालो पहले, पीने लो पानी यही। हाँ, भर लिए थे ना दोस्तों। मेरा खाना निकल चुका है देख सकते हैं, और शाम के 5 बज गया है तो काम में आदमी व्यस्त रहने के बाद मतलब समय का ही पता नहीं चलता, भूख सब मर जाता है। तो काम तो हो गया तब भूख लग रहा है तो हम लोग ले मंगा लिए खाना, चले खाने के लिए। और रोहित भी आ गया है, ये रोटी थोड़ा घी लगा हुआ रोटी लग रहा है। हाँ तो वही ऑर्डर किया था, घी लगा हुआ। चलिए खा के देखा जाए। अरे एक बार खा के कर लो फिर अपना जो करना करना। लो खाते हुए मोबाइल जीता कर मुझे खाएंगे नहीं। अरे वो छोड़ना पहले, एक बार एक और खाते हुए बना दो। मुझे उठाने ही उड़ा करो ना, एक बार खाते हुए बना ले ना यार। मोबाइल जीता कर मुझे खाएंगे नहीं। कई बार गाड़ी से हटके भी चल जाते थे उधर। दोस्तों अभी रोहित क्या बता रहा है कि इसका फोन नहीं मिल रहा है, और हम ही लोग सब लोग बाहर थे, पापा भी बाहर चले गए थे ट्रांसपोर्टिंग का काम किए, और रोहित भी बाहर घूम रहा था, थोड़ा देख रहा था काम जितना भी हो रहा, और हम भी बाहर ही थे तो उसी बीच में पता नहीं फोन अपना कहाँ रखा था और फोन इसका मिल नहीं रहा है। बताओ, गायब हो गया गाड़ी से डायरेक्ट। हम गाड़ी में रखे थे उस टाइम, आप चिल्लाए तो हम नीचे किए तो यहाँ रखे थे। हम चिल्लाए काहे के लिए बोल रहा है? और कहीं रख दिया गया है। अभी फोन भी फोन करके ट्राई किया, फोन करके ट्राई किया और फोन भी नहीं लग रहा है। अब देखिए पता नहीं अब क्या बोल रहा है, फोन को लगा रहा है फ्लाइट मोड बोल रहा हूँ बोल रहा फ्लाइट मोड में डाला हुआ है। अरे यार तभी वो बोल रहे थोड़ा दबा के रखने के लिए मतलब गाड़ी को थोड़ा और साइड कर देने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों, अभी खाना खा रहे सब लोग, उसके बाद ढूंढते हैं रोहित का फोन, चोरी तो नहीं हुआ होगा ये, शायद इधर उधर कहीं गिरा दिया होगा, अभी ढूंढ लेंगे अच्छे से। तो अभी खाना खाते हैं हम लोग, रिपोर्ट करवाएंगे तो रिपोर्ट ले लेंगे, वो इंश्योरेंस रहेगा तो इंश्योरेंस मिल जाएगा। पंगा तो बांधे रखिए, गर्म हो गया था बहुत ज्यादा इसीलिए बोल रहे हैं। गिरेज जाना है पीछे, इसका गर्म हो गया था। आप जाइएगा कि नहीं गिरेज? आप गिरेज जाइएगा कि नहीं? तो चलिए हम भी चलेंगे, चलिए इसी में चले, चलिए चलिए। ठीक बोल रहा है, एक बार देख लीजिए। चल छोड़ो, फोन किया उसी का नंबर पे, फोन नंबर लिया था वो। हाँ तो नंबर दोनों लगाते फोन में नहीं है तो फोन इसका, इसका, इसका मोबाइल में नंबर था। हाँ इसको नंबर दिया। बहसबाजी नहीं करना है, चलिए जाना है तो चलिए, खाना खाए तो चलिए, जाना है तो चलिए, मजा करेगा आपको, चलिए खाना खाए चलने बोल रहा है, चलिए तो हमें तो गाड़ी लेके चलिए, चलिए। अरे तुमको भाड़ा देते हैं, टेम्पो मिल जाएगा यहाँ से। नहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको भी ना, तो हम का गवाही में खड़ा रहेगा, पूछेंगे ना। चलिए चलिए गाड़ी लेके चलिए, हमें टेम्पो मिलेगा। नहीं 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 अकेले नहीं जाएंगे, जाइएगा कि नहीं वो बोलिए, सीधा सीधा बोलिए, जाना है कि नहीं खाना खाने में, जाना है कि नहीं सीधा बोलिए। खाना खा के तुरंत तो नहीं जाएंगे, तुरंत तो नहीं जाएंगे खाना खा के। ठीक है दोस्तों, रात का 8 बज चुका है अभी,
और हम लोग तो देख लिए शाम में ही खाना खा लिए थे 5 बजे। तो अभी क्या ना लोडिंग का ही बात चल रहा था हमारा, तो तमिलनाडु का बात हुआ है। तमिलनाडु जाना है लेकिन कौन सा शहर जाना अभी क्लियर नहीं, क्योंकि तमिलनाडु में कई शहर है। तो हमको सेठ बोला खाली कि तमिलनाडु का कल्चरल लोडिंग है। और कई बार हम सोच रहे थे कि लंबाई टूल का मिले, अपना सेठ को भी बोलते थे कई बार, तो सेठ को भी, मुझे सेठ भी जानता था कि जिधर से वापसी मतलब माल मिलता है तभी सेठ भी भेजता है। तो करीब 1500 किलोमीटर पड़ेगा हमको यहाँ से, 1500 किलोमीटर है। तो देखते हैं कल लोड करके कितना तक छोड़ता है, क्या करता है। देखिए रोहित भी बोल रहा था कि कितना लोकल चल चल के पैसा नहीं बच रहा है, तो अभी थोड़ा सा शोक प्रगट में है, उसका मोबाइल थोड़ा गुम हो गया है। तभी शोक क्या, हम उसको समझा रहे थे जिंदगी आना जाना है, कितना मोबाइल आया कितना गया, इससे इतना का टेंशन। देखिए जैसे जैसे सोया हुआ, जैसे कितना बड़ा टेंशन हो गया, इसका मोबाइल इसका चोरी हो गया इसका। चलो कोई बात नहीं, फिर नया मोबाइल आएगा, नया मॉडल का आएगा, वही चीज होना चाहिए। तो मान ही नहीं रहा था, शोक प्रकट में अभी। ठीक है दोस्तों, कल ये मोबाइल कल कब खरीदेगा मोबाइल रे? कल ही खरीदे, कल तो कल ही खरीदेगा मोबाइल ही। अब देखते हैं कौन सा मोबाइल खरीदेगा, अब इसका क्या डिमांड हो रहा है। तो बातचीत कर लिया कहीं भी है और बोला है कि ठीक है कल खरीद लेना, क्योंकि हम लोग का आदत है कि जैसे कि कहीं चाय मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, मोबाइल है नहीं मिला एक दिन भी नहीं रख चलेगा। लेकिन इसका क्या है कि पल पल नहीं गुजर रहा है अभी मोबाइल, देखिए इसका पल पल गुजरने में इसको दिक्कत हो रहा है अभी, इसीलिए तो टेंशन हो, कल है मोबाइल चाहिए। और हम लोग जैसे आदमी रहो बिंदास, मिला तो ठीक है नहीं मिला कोई बात नहीं समझे, लेकिन वो चीज लूंगा है नहीं अभी। ठीक है दोस्तों, इंतजार करते हैं कल लोड करेंगे। टांग उठा गया सोते थे, कहा गिर गया अगरबत्ती जल रहा है उठाइए, इधर वो आगे से उठाते ना, ना नहीं है लिखा था। कहा मिला कैसे हुआ पर्स गुम नहीं जानते हैं हम, वहाँ से हिलबो नहीं किए हैं, देख लीजिए। अरे बोल दो यार कि तेरा फोन चोरी हो गया, बना लेते वीडियो। आप बोल बोल दिए फोन चोरी हो गया ऐसा करके। दोस्तों रोहित का फोन चोरी हो गया, चोरी हो गया, कहाँ गुम हो गया, कहाँ गिरा दिया पता नहीं। और आपका पर्स? तो मेरा पर्स भी यही टांग उठा कर सोते है यहाँ पे, यही गिरा होगा पीछे, गाड़ी के अलावा कहीं गिरता नहीं है बाहर मेरा। अब मेरा बाहर जब जाते जब जरूर पीछे हाथ मारते हैं हम, मेरा पर्स गाड़िये में होगा कहीं, देखते खोजे मिल जाएगा अभी। खोजो खोजो हम का खोजे। अरे दोस्तों फोन चोरी हो गया लेकिन तब भी गोरा हुआ कि नहीं हुआ वो देख रहा है, बताइए। हम शौक में नहीं रहते हैं, सबसे बड़ी बात है आज खत्म हो गया, कल तो नया ले लीजिए। अच्छा, कौन सा हालत है। चलो इस तो ये तो 10,000 का था, तो 15,000 का मोबाइल ले लेंगे। यानी यूट्यूब पेमेंट का गलत उपयोग। यूट्यूब पेमेंट का गलत उपयोग नहीं। चलिए अब इसका फोन गायब, इधर पापा का पर्स गायब। तो पापा का तो हम ही पर्स रखे हैं, वो तो मतलब जानबूझ के रखे कि गिरा देते हैं बार बार, इसलिए सबक सिखाने के लिए। इसका फोन पता नहीं कहाँ है, पैसा नहीं निकाल लिया हम, जो पैसा दे गिरा। इसका फोन नहीं मालूम दोस्तों, इसका फोन चोरी हुआ है लेकिन पापा का पर्स हम रखे थे, बार बार गिरा देते हैं इसलिए। पीछे पॉकेट में रखते हैं, जिसका जेब वैसा है, यहाँ सोते हैं, कई बार यहाँ टांग चढ़ा देते हैं तो वो गिर जाता है, सीट पे ही गिरता है। बाहर भी हम एक दो बार उठाए हैं ऐसा करके, यहाँ सीट से बाहर गिर जाता है इसलिए सबक से। बाहर से कई बार हुआ है, उतरने में भी गिर जाता है, जैसे बैठे हुए हैं तो ऐसे बैठे हुए तो पर्स आधा बाहर हो जाता है, और जब उतरते हैं तो पीछे गिर जाता है। तो अब याद रखिएगा जो अभी ढूंढ रहे थे ना भटक कर, अगर सही में गुम हो जाएगा तो फिर उतना पैसा चला जाएगा। चलो इसलिए पैसा कम रखते हैं उसमें, कागज पत्र है। अच्छा फोन तू रखा कहाँ था लास्ट टाइम वो बता। यहाँ रखे थे। गेट खुला था? गेट कहाँ खुला था? गेट खुला था, हम देखे थे जब वो लग गया तो यहाँ पे रखे थे। अब चोरी हो गया कैसा लग रहा बताओ, एक्सपीरियंस बताओ। जैसे मीडिया वाला पूछता ना कि पानी में डूबा हुआ कैसा लग रहा है, चोरी हो गया मोबाइल, चोरी नहीं मैं गुम हो गया, हम चोरी तो नहीं कर सकते हैं, एक कोई गिरा दिया है या किसी को देखे नहीं तो चोरी कैसे बोल सकते हैं। गाड़ी से देखिए मोबाइल गायब हुआ है। अच्छा इतना हो, ठीक से बैठ पहले, ठीक से बैठ, हो इतना होश है हमको। तुम गाड़ी में रखा था तो हम तो खैर चल गए थे उधर नहीं, आप भी वहाँ कुर्सी से बैठे हुए थे, हम यहाँ रख के
उतरे और कावला टायर लगा रहे थे। अच्छा हाँ, तो गेट खुला था? गेट नहीं खुला था, गेट बंद करके गए थे। अच्छा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि गाड़ी के अंदर से कुछ गायब हो जाए। गाड़ी के अंदर तीन तीन आदमी कोई ना कोई रहता ही है, कभी बाय चांस अगर नहीं रहा चला गया इधर उधर कुछ करने तो अलग बात है। तो इतना नाखून का दिखा रहा है, इतना बड़ा बड़ा सावन उसे काय कर रहा है, सेफ्टी हो जाएगा पागल, सेफ्टी हो जाएगा उसमें। तो कल लेना मोबाइल, कल ले लेंगे 15,000 रायपुर से लेके निकलेंगे। तब वो भी फोन फिर गायब हो गिर जाएगा, कहीं गायब हो जाएगा, कहीं चोरी हो जाएगा, तब तब देखा जाएगा, फिर लेगा। मतलब सीखना नहीं है, गलती से सीखना नहीं है ना। अब क्या करेंगे, जो होता है हो गया, खत्म हो गया कहानी ना भाई, जो हो जाए। मोबाइल की बातें नहीं है, हम अपना पैसा से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, दूसरे को क्या मतलब है, दूसरे आदत बोल रहा है, आदत की बात नहीं है। मोबाइल लेके जाएंगे घर, कोई हालत में मोबाइल लेके जाएंगे, कुछ भी हो जाए तो हम रायपुर से हिलेंगे नहीं, आपको पता है। राजगंज यहाँ पहुँच जाएगा, तो राजगंज यहाँ दिन में राजगंज में पहले गाड़ी खड़ा होगा, मोबाइल लेंगे उसके बाद जल जाएगा। दोस्तों अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो गया है और अभी रोहित थोड़ा नहा वहा के फ्रेश हो गया, सर हम महल निकल गया इसलिए थोड़ा सा पूजा पाठ भी कर लिया है। और क्या जी आगे आप क्या बोल रहे थे? आगे क्या, रात में खाना तो बनाना नहीं है, तो दूध पी के ही आज लोग चलेगा, क्योंकि दूध लाने के लिए भेज रहे हैं अभी, इसको दूध लेके आएगा अभी। चलो एक काम करो, दूध ले आएगा और ले आना ब्रेड, वही आज हम लोग का खाना होगा, समझा? मोबाइल जो गलती किया बाबू याद रखना, कुछ सबक मिला इससे? चूम लो एक बार, इतना इतना इसका परेशान हुआ, परेशानी हुआ, आदत से मजबूर। इसको सिखाया जा रहा है कि गाड़ी कहीं भी जाओ गाड़ी गेट बंद करके जाओ, गाड़ी में कहीं भी कुछ सामान छोड़ के मत चले। हाँ आदमी अगर है तो चलो कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी में हम लोग कोई नहीं रहे, सागर चला गया कहीं, हम भी चले गए, तो ये सब लापरवाही। इसके बताओ क्या सीखा इससे? क्या सीखा, सबक मिल गया ना हमको, तो अब अच्छा लग रहा है कि नहीं? इसको क्या चीज मिले, जब कोई चीज गुम हो जाए और तो मिल जाए तो सबसे ज्यादा खुशी तब होता है ना। देखो कहते ना कि भूला, सुबह का भूला 4-5 घंटा बाद वापस आवे या 10 बाद वापस आवे, वही हाल हो जाता है। तुम्हारा अभी कितना तुम्हारा नेट बच गया, इतना देर मोबाइल घूम रहा तो हाँ नेट बच गया बहुत ज्यादा, आज रात में अब काफी रात तक इसका नेट खर्चा करेगा तभी सुतेगा ही, ऐसे तो हो नहीं सकता यार। यहाँ पर 5G पकड़ रहा है, 5G चल रहा है आजकल मोबाइल यहाँ। तो चलिए इसके साथ प्रैंक हो गया दोस्तों, तो कैसा रहा प्रैंक, डर लगा कि नहीं? सच बताना एकदम, डर लगा कि नहीं? डर तो लगा काहे कि गाड़ी में जो चढ़ रहा था उतर रहा था तो हमको उसी में शक लग रहा था, तो हम बोले इसको भटका के रखा होगा एक जन इधर गायब करता होगा। हाँ तो अब याद रखना बाबू, जब जाएगा गेट बंद होना चाहिए और फोन हमेशा सही से रखना। तो ये लो हाथ का दूध लेके आओ, ब्रेड लेके आओ, आज हम लोग का वही खाना होगा। दोस्तों इसके साथ प्रैंक करना था, हो गया, प्रैंक नहीं प्रैंक, प्रैंक हाँ। प्रैंक करना था वो हो गया और सबक भी मिल गया इसको, और अगर नहीं देते तो हमको रात में सोने नहीं देता है, बहुत बकबक करता है, मतलब बकर बकर इतना करता ना कि सब रिकॉर्ड हुआ है सारा, जितना बकबक कर रहा था ना सब चुपके चुपके से रिकॉर्ड की है, तो माथा खा जाता ही, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मतलब दुनिया भर के माथा खा जाता है, इसीलिए करके इसको अभी देना पड़ेगा, नहीं तो सुबह का प्लानिंग था कि कल इसको देते हम। चलो ठीक है, हो गया इसका फ्रेंक, अभी दोस्तों अभी जा रहा दूध लेके आएगा ये, तो दोस्तों वही दूध लाने जा रहा है, दूध पी वगैरह हम लोग सो जाएंगे, दूध के साथ ब्रेड भी रहेगा सेक के। तो दोस्तों आज तो देखिए काफी गाड़ी काम हुआ, हम लोग भी व्यस्त रहे और काम भी सब हो गया, लोडिंग भी सब अपना मिल गया, तो काफी लंबा होने कारण वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।